हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हमारा जो टेंस चले हुए हैं उनका डे थ्री है। डे थ्री में पहले ही अपलोड कर चुकी थी, लेकिन उस वीडियो में कुछ खामियां थी जिसकी वजह से मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। दैट्स वाई मैं आज आपको दो टेंस एक ही वीडियो में कराऊंगी और दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? आपने मोस्टली सुना होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन इसके अलावा आ है, ई है, ए है, आ हूं, ये है या है, जैसे मैंने ये काम कर लिया है। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देरी नहीं हुई है। जैसा कि इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट है ना, अपने आप में जो पूरा है टेंस, यानी कि जो काम जस्ट अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ है वहां पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान क्या रहेगी? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या ज्ञात होता है कि कार्य पास्ट में शुरू हुआ था वह वर्तमान में भी जारी है। जैसे आज सुबह से ही बारिश हो रही है, मतलब सुबह से तो बारिश थी, अभी भी हो रही है। तो वो काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम पास्ट में शुरू हुआ था वो जस्ट अभी फिनिश हो चुका है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की कि इन दोनों को हम इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं इन दोनों टेंस के अकॉर्डिंग। पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम दोनों को कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज हैव के साथ हम लगा देते हैं बीन और वर्ब की फॉर्म जो है वो फर्स्ट आती, थर्ड नहीं आती, उसके साथ हम लगाते हैं आईएनजी। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव के साथ नोट लगाएंगे, लेकिन यहां पे जो नोट है वो हैज हैव के बाद आएगा, बीन बाद में आएगा, यानी कि हैज बीन, हैव बीन के बाद नोट नहीं आएगा, उनसे बीन से पहले नोट आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले, उनमें कैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? हैज हैव पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी, सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और बीन बाद में आएगा। ऐसा नहीं है कि हैज हैव के साथ बीन हम पहले यूज करेंगे, नहीं, बीन को हमें बाद में ही यूज करना है। सो आपको समझ में आया कैसे करते हैं? हैज हैव परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे। ठीक है, अभी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। शिवम ने अपना भोजन समाप्त कर लिया है। सो देखो, कर लिया है, अभी मैंने पहचान बताई थी ना। सो सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे शिवम, क्योंकि काम कौन कर रहा है, एक्शन किसने परफॉर्म किया? शिवम ने, शिवम। अब शिवम के साथ हम लगाएंगे सिंगुलर नाउन हैज, शिवम हैज। नाउ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी उसने क्या काम किया, उसने फिनिश्ड किया है ना, उसने समाप्त कर लिया, सो फिनिश्ड। अब यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिनिश्ड अपना भोजन, हिज क्या आएगा, फूड। शिवम हैज फिनिश्ड हिज फूड। नाउ अगर इसको हमें किसमें बनाना होता, नेगेटिव में, तो कैसे करते? शिवम हैज के साथ नोट लगा देते, हैज नॉट फिनिश्ड हिज फूड। क्या शिवम ने अपना भोजन, इसकी हिंदी होगी कि शिवम ने अपना खाना पूरा नहीं किया है, समाप्त नहीं किया है, लेकिन अगर मैं इसी वाक्य को इस तरीके से कहूं कि शिवम ने अपना भोजन, सॉरी, क्या शिवम ने अपना भोजन समाप्त कर लिया है, खत्म कर लिया है? ठीक है, सो कैसे करेंगे? हैज शिवम फिनिश्ड हैज फूड, क्या शिवम ने अपना जो भोजन है वो समाप्त कर लिया है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम कैसे करेंगे। वह 1 घंटे से व्यायाम कर रहा है, सो वह के लिए हम यूज करेंगे ही। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। पॉजिटिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ही, ओके, ही के साथ हम यूज करेंगे हैज का, ही हैज, उसके साथ यूज करेंगे बीन, ही हैज बीन,
ठीक है। उसके बाद वर्ब की फास्ट फॉर्म, अभी व्यायाम है, क्या कर रहा है, व्यायाम कर रहा है ना, एक्सरसाइज कर रहा है ना, सो एक्सरसाइज के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग, अभी एक घंटे से कर रहा है तो फॉर वन आवर। ओके, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, जो मैं अभी बताने ही वाली थी आपको, कि जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का यूज होता है, सो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सिंस हम कहाँ यूज करेंगे और फोर हम कहाँ यूज करेंगे। अभी यहाँ पे हमने देखो फोर यूज किया है ना, कि ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग फॉर वन आवर, वह एक घंटे से व्यायाम कर रहा है, सो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे इसको, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हैज सॉरी सिंस और फॉर का यूज। सो ही हैज नॉट, पहले नॉट आएगा, बीन, ही हैज नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर वन आवर, वह एक घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा। अभी इसको क्वेश्चन वाले में कैसे करेंगे, सो सबसे पहले हैज आ जाएगा, हैज ही बीन एक्सरसाइजिंग फॉर वन आवर, क्या वह एक घंटे से एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। सो अब बात करेंगे यूज कहां पर हम यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि सिंस और फॉर का हम यूज कहां करते हैं। सो आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन फॉर 6 ईयर, मैं 6 साल से जो है स्पेन में रह रहा हूं, तो यहां पे बात हो रही है ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, ठीक है, कि जो समय है कितने लंबे समय से वो रह रहा है। आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन सिंस 2012, यहां स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। यहां ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हमें यहां ये नहीं पता है कि कौन से 6 ईयर से, सिर्फ ये बता दिया कि वो पिछले 6 साल से स्पेन में रह रहा है, बट वो कब से उसने रहना शुरू किया वो हमें नहीं पता है, लेकिन सिंस वाले में हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये ध्यान रखिएगा सिंस वहां यूज करेंगे जहां पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है। जैसे आज मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूं, तो हमें पता है ना कि सुबह के 8 बजे से उसने काम शुरू किया है, और अगर मैं बोलूं मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूं, अभी पिछले 2 घंटे कौन से वाले 2 घंटे, वो तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, मतलब हमें ड्यूरेशन बता रहा है कि कितना लंबा हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता है कि हम कब से पढ़ रहे हैं, है ना स्टार्टिंग। तो फोर यूज होगा हमारा ड्यूरेशन फॉर टाइम के लिए, और सिंस यूज होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जैसे फॉर 10 मिनट्स, फॉर 6 आवर्स, फॉर 2 ईयर। नाउ सिंस 1985, जब हमें पता है कि स्टार्टिंग टाइम ये है सिंस मंडे से, है ना, और सिंस 8 PM 8 बजे से, रात के 8 बजे से, सो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के लिए, जिसे ही हैज सीन द ताज एट आगरा ट्वाइस, वह 2 बार जो है वो जो है ताज देख चुका है आगरा में, ये मूवी मैं पहले ही देख चुकी हूं, क्या आप ताज देख चुके हो, सो ये पास्ट एक्सपीरियंस जब हमें बताना हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, जो कि अभी जस्ट फिनिश हुआ, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट, तो क्या क्या इसमें आ सकता है, ऑलरेडी, सो फार, येट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, अनटिल नाउ, है ना, तो इसमें हमने जस्ट का यूज किया है, मतलब रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए, जैसे आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट, मैंने तो पहले ही अपना काम जो है फिनिश कर लिया है, तो जहां पर आपको ये वर्ड दिखाई दे ना तो आप समझ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। ना अनफिनिश्ड एक्शन, आई हैव नोन हर फॉर 7 ईयर, मैं उसको पिछले 7 साल से जानता हूं, अभी ऐसा तो नहीं है कि 7 साल से मैं जाना और अब मैं भूल गया हूं, नहीं, अभी मैं उसको जान ही रहा हूं, तो ये काम तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। एंड फिनिश्ड एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट इवेंट था लेकिन जिसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में मिलना है, जैसे कि कल उसकी जो ये हम बोल सकते हैं कि उसकी जो ट्रेन थी वो मिस हो गई और वो लेट होगा, तो उसका प्रभाव हमें अब दिखेगा ना, कि आज उसकी जो सुबह की बस जो है वो डिले हो गई है तो वो दोपहर में पहुंचा, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो आपको प्रेजेंट में दिखाई देगा। वहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यू अंटिल नाउ, ऐसा कोई काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक जारी, जैसे कि मैं पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूं, है ना, मैंने इसकी पहचान भी आपको शुरू में बताई थी, ध्यान रखिएगा रहा है, रही है, तो मैं पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूं, तो पिछले 5 साल से उसने शुरू किया था और अभी तक बेचारा वो ये काम कर रहा है।
एक्शन दैट रिसेंटली स्टॉप्ड, ऐसा काम जो कि अभी रिसेंटली स्टॉप्ड हुआ है. जैसे आई बीन वर्किंग ऑल डे, मैं आज पूरे दिन से काम कर रहा हूं. अब जैसे कि कई बार हम काम करते बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं तो सुबह से काम कर रहा हूं, सो हमने खत्म कर दिया, अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा हूं. तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फिर आता है टाइम बाउंडेशन एक्सप्रेशन, जहां पे सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, लेटली हो. तो सिंस और फॉर का यूज तो मैंने आपको बता दिया है. हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हो ना. हाउ लॉन्ग यू हैव, यू के साथ हैव लगाया, फिर बीन लगाया, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन, वेट के साथ मैंने ing लगाया, वेटिंग फॉर मी, तुम कब से मेरे लिए यहां इंतजार कर रहे हो. ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. होप यू लाइक द वीडियो. मिलेंगे नेक्स्ट टेंस में. टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.